ब्याज नहीं होंगे, कोई भी सत्संग हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, आपको बुलाते रहेंगे। अगर आपका ब्याज है, कहेंगे ओम शांति वाले हैं, इनका रखवाला शिव बाबा है, हमारे पास नहीं आने वाले। इसीलिए मंगल सूत्र पहन कर रखना। अच्छा समझो, सात फेरे लिया, मंगल सूत्र पत्नी को अपने घर में लेके जाता है, और घर में लेके जाकर के क्या करता है, डायरेक्शन देता है, देखो मैं ऑफिस में जा रहा हूं, पड़ोसी ने एक बार जाकर के बातें नहीं करना, ये करना ये करना वो करना, कई डायरेक्शन देता है। जब शाम को आया तो देखा कि पड़ोसिनी के पास बातें कर रहे, और सवेरे उसको मना किया था तो भी कर रहे, बर्तन तो मांझे नहीं, तो दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, फिर झगड़ा। झगड़ा होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक, जिसको आजकल कहते हैं डाइवर्स हो गया। इसी तरह बाबा भी हमें रोज परम धाम से आता है, और ये मुरली, मुरली क्या है, पति का डायरेक्शन। दो कॉलम में मुरली में लिखो, मुरली को लिखो पति ने आज क्या क्या करने के लिए बोला है, और दूसरे कॉलम में लिखो पति ने आज क्या क्या मना, जो मना किया उसको न करना, करने के लिए बोला करना, वो यही ज्ञान। हम क्या करते, जो मना किया उसको करते। जब शाम को योग में बैठेंगे पति का प्यार कैसा मिलेगा, कब तक? अगर आपको रोज वो कहता है आप उसकी बातें नहीं मानेंगे, एक दिन आएगा वो डाइवर्स देगा। डाइवर्स देना अर्थात ज्ञान से चले जाना। कई भाई बहने ज्ञान से चले गए, क्यों गए, क्योंकि पति ने उसको डाइवर्स दिया। कारण तो कुछ भी बनेगा, सेंटर घर से दूर हो जाएगा, कोई ना कोई किसी की कमी नजर आए, कुछ ना कुछ, लेकिन मूल है परमात्मा ने उसको डाइवर्स दिया। इसलिए इतना सुंदर पति संसार में सबसे सुंदर है परमात्मा, अगर उसको डाइवर्स लिया कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए ऐसे पति को कभी नहीं छोड़ो दुनिया में।